The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को बता दूं, रिपीट करने लगा हूं कि आप लोग मेरे साथ जो कम्युनिकेट करेंगे वो आप चैट बॉक्स के थ्रू आप लोग मेरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप लोग सो दैट के जब हम बात करेंगे तो वो आपकी साउंड जो बैकग्राउंड की इको ना हो। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ पीएनवाई ट्रेनिंग्स। और जो वर्कशॉप है हमारी आज की इंट्रोडक्शन टू लोगो डिजाइनिंग के हवाले से, इसके अंदर आप लोगों को सबको जो है वो मैं वार्मली वेलकम करता हूँ। मेरा नाम जनाब अली यासर जावेद डोगर है और मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आई एम अ क्रिएटिव प्रोफेशनल बेसिकली। I have been working in creative industry for last more than 16 years, and currently I'm working also as an academician. मैं जो है वो मुख्तलिफ इदारों के साथ जो है वो graphic design के हवाले से creative training जो है वो भी provide कर रहा हूँ, और मैं पढ़ाता भी हूँ graphic design को, graduation की classes भी, और तमाम level के जितने भी students हैं वो हमारे मेरे जो हैं वो graphic design के जो है वो मौजूद हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और मीडिया हाउसेस वगैरह का है, एंड करंटली आई एम रनिंग माय ओन क्रिएटिव स्टूडियो एज वेल। और आज जो हम लोगों ने बात करनी है वो हम लोगों ने करनी है लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से। अच्छा, बिफोर आई शेयर माय स्क्रीन एंड आई फॉर्मली स्टार्ट प्रेजेंटिंग माय प्रेजेंटेशन टू ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा मैं सबसे पहले जो आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंस ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से है। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बड़ा डिटेल में इंशाल्लाह तआला समझाने वाला हूँ कि लोगो डिज़ाइनिंग होती क्या है और उसको हमने किस तरह से, लोगो डिज़ाइनिंग का जो टास्क होता है उसको एक अच्छे तरीके से हमने किस तरह से अचीव करना होता है, कि सो दैट आप लोगों में से कोई भी अगर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करना चाहे, जैसे कि freelancer.com है या guru.com है, अपवर्क है या फाइवर है, तो इस तरह के जितने भी आपके 99designs.com है, इस तरह के जितने भी हमारे जो जी, अब प्लीज़ बताइएगा वॉइस आप लोगों को क्लियर है। कुछ लोग जो वॉइस के हवाले से शायद कह रहे थे कि क्लियर नहीं है, तो काइंडली प्लीज़ मुझे अब सजेस्ट कर दें कि आप लोगों का मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है। जी चलें, दैट्स गुड, वी आर गुड टू गो जी, वी आर गुड टू गो। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि जनाब अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और आप लोगों को पता है कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना वो एक बहुत ज़बरदस्त टूल है एज अ फ्रीलांसर पैसे अर्न करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर। एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं उनके ऊपर इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, पाकिस्तानी ग्राफिक डिज़ाइनर्स ना सिर्फ काम कर रहे हैं कामयाबी के साथ बल्कि बड़े अच्छे पैसे भी अर्न कर रहे हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं, और जैसा कि अभी आजकल का जो करंट सिनेरियो है कोरोना वायरस के हवाले से, और ये जो पैंडमिक की जो एक सिचुएशन जिसमें हम लोग पूरी दुनिया जो है जिसके अंदर जो है वो इस वक्त इन्वॉल्व है और घिरी हुई है, तो इसके हवाले से भी देखिए हम लोगों ने अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, और आप लोगों को हम हमेशा चाहे वो पीएमआई का प्लेटफॉर्म हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार प्लीज़ अपने टाइम को कंज्यूम करें अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, और कुछ ना कुछ लर्न करें। आप लोगों में से अक्सर लोग जो हैं वो डेफिनेटली अगर इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं तो आप लोग जो है वो जनाबी अली इंटरेस्टेड होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर,
और लोगो डिजाइनिंग के हवाले से जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। मुझे कुछ लोग बता रहे हैं चैट बॉक्स में कि वो मुझे पहले से जानते हैं। जी बिल्कुल, डीजीसीएस के प्लेटफॉर्म पर भी ग्राफिक डिजाइन का जो कोर्स है वो मैंने ही डिजाइन किया था। मैंने उसको वहाँ पे जो है वो कन्वे किया है। एनीवे, अच्छा जी, मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं वो भी साथ साथ लूंगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ज़रा कवर करना चाहूँगा अपनी बात को जो मैं आप लोगों से आज कन्वे करना चाहता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह ताला एंड में हम एक सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, क्यू ए सेशन रखेंगे, जिसमें आप लोगों से जो है वो इंशाल्लाह ताला बात होगी और आप लोगों के जो भी कंसर्न्स या क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहेंगे, कन्फ्यूजन्स अपनी क्लियर करना चाहेंगे, बिल्कुल वो जो है वो मैं करूँगा। सो आपने उस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू बी अ बिट पेशेंट, और जो चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा पहले उनको ज़रा गौर से सुने, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो एंड में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। अच्छा जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टूल है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, और लोगो डिज़ाइनिंग जो है ये ग्राफिक डिज़ाइन की एक ऐसी आप कह लें कि असाइनमेंट है, ये फील्ड है या इसका एक ऐसा टास्क है जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सर्वे रिसर्च इनफैक्ट रिसेंटली एट अ ब्लॉग, और उस ब्लॉग में ये लिखा गया था कि जो लोगो डिज़ाइनिंग है पूरी दुनिया के अंदर जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो अपवर्क है, चाहे वो ईलांस है, चाहे वो कोई भी है, उनके ऊपर जितने भी डिज़ाइनिंग के टास्क जो है वो क्लाइंट्स की तरफ से अपलोड किए जाते हैं उसमें से मिनिमम 20% टास्क ऐसे हैं जो कि लोगो डिज़ाइनिंग या कॉरपोरेट डिज़ाइन कॉरपोरेट आइडेंटिटी डिज़ाइन से रिलेटेड होते हैं। तो लिहाजा लोगो डिज़ाइनिंग जो है ये बड़ी जनाब अली एक लुक्रेटिव फील्ड है, एक बड़ी फ़ायदेमंद स्किल है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो ग्राफिक डिज़ाइन की 20% टास्क हैं उनको आप अचीव करने के काबिल बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, कहने को 100 में से 20% कुछ भी नहीं लगता, लेकिन 20% का मकसद ये है कि अगर 100 असाइनमेंट्स ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड इन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर डेली सपोज कर रहे हैं हम अगर अपलोड होती हैं तो उनमें से मिनिमम 20 से ज़्यादा असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक लोगो डिज़ाइनिंग से और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिज़ाइनिंग से होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो लोगो डिज़ाइनिंग है ये जनाबीली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से। जी मुझे बस एक मिनट दें, इसको हम अजान ब्रेक का कुछ लोग कह रहे हैं तो उसको ज़रा देख लेते हैं जी। अच्छा, मैं अब ज़रा आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से। अच्छा जी, ये मैं ज़रा अजान के लिए थोड़ा सा जो है वो खामोश में जैसे ख़त्म होती है तो फिर हम आगे जो है वो बात स्टार्ट करते हैं। जी जनाब अली, तो आगे हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जो स्टार्ट करना चाहूँगा वो मैं डायरेक्टली लोगो डिज़ाइन से नहीं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड लोगो, ठीक है।
काइंडली प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपने क्वेश्चंस को होल्ड करके रखें। अभी इंशाल्लाह ताला एंड में हम एक सेशन करेंगे, क्यूए सेशन, उसमें आप लोग मेरे से सवाल जवाब जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लोगो डिज़ाइन के हवाले से। आई एम वेरी मच हैप्पी बाय द वे एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड, फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसमें काफ़ी लोग भी हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज, और इस वक्त काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन मुझे देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ अच्छी पार्टिसिपेशन मुझे देखने को मिल रही है बल्कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी मुझे देखने को मिल रही है लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से जानने के लिए। तो मैं ये अब आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही है और मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ जी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलें जी इसके बारे में ज़रा बात करते हैं कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी या लोगो डिज़ाइन लोगो है क्या बेसिकली। देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी या लोगो जो है ये होता क्या है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि लोगो डिज़ाइनिंग कहते किसे हैं, ये लोगो है क्या, तो हम अच्छा लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट गेट इंट्रोड्यूस विद लोगो और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। अच्छा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की जो टर्म है ये बिल्कुल लोगो डिज़ाइन से मिलती जुलती भी है और ये बसा औकात लोगो डिज़ाइनिंग की जगह पर लोगो की जगह पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये मैं ज़रा आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आज क्लियर करता चलूँगा के पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या है और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लोगो की तरफ लेके जाऊंगा एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लोगो डिज़ाइनिंग। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है लोगो डिज़ाइनिंग का, किस तरह से आप लोग लोगो डिज़ाइन एक अच्छा लोगो बना सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको आज टिप्स भी दूंगा लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो ख़ासतौर पर वो लोग जो कि ऑलरेडी लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ ना कुछ मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही मज़े का कंटेंट अभी आने वाला है जी आगे, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस जो है उसका निचोड़ आपको अभी देने लगा हूँ लोगो डिज़ाइन के हवाले से अभी थोड़ी ही देर में, कि लोगो डिज़ाइन के हवाले से कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप अगर उनका इस्तेमाल करें तो आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर बड़े अच्छे तरीके से लोगो डिज़ाइनिंग के असाइनमेंट जो उनको आप अच्छे तरीके से कंपाइल भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं और उनके थ्रू पैसे भी आप जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं साथ साथ आप लोगों के चैट बॉक्स को भी देखता हूँ ताकि मुझे वहाँ पे पता चलता जाए। देखिए जी, कोई मसला ही नहीं है, आप में से कोई न्यू है या आप में से कोई पहले से कर रहा है लोगो डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आज मेरा मकसद ये नहीं है कि मैंने सिर्फ डिज़ाइनर्स को ही ट्रेन नहीं करना। आज मैं हर उस आम बंदे को जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या लोगो डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है उससे मैं मुखातिब हूँ और आपको मैं ऐसे आसान तरीके से बात समझाऊंगा और इतनी आसानी के साथ बात समझाऊंगा कि आपको, अगर आपको बेशक ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से या लोगो डिज़ाइन के हवाले से अगर आपकी पहले कोई प्रैक्टिस नहीं भी रही हुई या आपने कोई पहले बहुत ज़्यादा मेजरली काम नहीं भी किया हुआ तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो जितने भी लोग आज हमारी इस कॉन्वर्सेशन में, हमारी इस ट्रेनिंग में, आज हमारे इस लाइव ट्रेनिंग के अंदर, इस वर्कशॉप में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यू हैं ग्राफिक डिज़ाइन के लिए या लोगो डिज़ाइन के लिए, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जो क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल ही न्यू है उनके लिए बताता चलूँ कि जी ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग विजुअल और टेक्स्ट की मदद से, यानी कि तस्वीर और अल्फाज की मदद से हम कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, वो मैसेज जो है जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए भी हो सकता है, वो किसी सोशल इशू के हवाले से बात करने के बारे में भी हो सकता है। जैसा मिसाल के तौर पे अगर नेस्ले कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कोई नया अपना समर आ गई है तो अगर गर्मियों के अंदर कोई नया अपना जूस लॉन्च करता है लेट सपोज, तो अब उस जूस को बेचने के लिए उसको बड़े अच्छे विजुअल्स चाहिए, बड़े अच्छे डिज़ाइन चाहिए, उस पूरी जूस की एक कैंपेन चाहिए, विजुअल कैंपेन जो कि इंटरनेट के ऊपर भी लॉन्च होगी, जो कि जनाबी अली वेब पे भी लॉन्च होगी, आउटडोर में भी लॉन्च होती है,
डिपेंडिंग अपॉन द मीडिया प्लान कि क्या मीडिया प्लान है, तो वो टीवी के ऊपर आपको उसकी कमर्शियल भी देखने को मिलती है किसी भी नई प्रोडक्ट की। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये जो विजुअल्स होते हैं जो किसी भी कैंपेन का हिस्सा होते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बहुत ब्रीफली ग्राफिक डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के हवाले से गाइड कर दिया है। तो अब वापस आते हैं जो हमारी लोगो डिजाइनिंग की जॉब है, जो हमारी आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ। लेटर हेड के अंदर बिल्कुल लोगो डिजाइन जो होता है वो लेटर हेड का एक बहुत जबरदस्त पोर्शन है। और लोगो डिजाइन जो है वो आप समझ लें कि लेटर हेड जो है वो लोगो के बगैर इनकम्प्लीट है। यानी अगर उसमें लोगो ही नहीं होगा लेटर हेड में, तो उसमें कुछ भी जो है वो उसकी उसकी वर्थ ही नहीं रहेगी। किसी भी कंपनी का लेटर हेड जो होता है वो उसके लोगो के बगैर, उस कंपनी के लोगो के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। और वो एक बिल्कुल एक सादा कागज होता है, उसकी कोई वर्थ नहीं होती जब तक उस कंपनी का लोगो उस लेटर हेड के ऊपर क्यों ना लगा हो। ठीक है, अच्छा जी बिल्कुल। ये बुक कवर्स भी और सारा ये भी मैं आपको आगे चल के बताने लगा हूँ कि लोगो डिजाइनिंग की जो एप्लीकेशन है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लोगो डिजाइन जो है ये एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पोर्शन है ग्राफिक डिजाइन का जो कि हर किस्म की ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड हर किस्म की जॉब में इंक्लूडेड है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक एप्पल का एक फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का, वो एप्पल है या सैमसंग है या कोई भी है, आपने अगर उसका एक पोस्टर डिजाइन करना है तो उसके लिए जब तक आप उस पोस्टर के ऊपर उस कंपनी का लोगो नहीं दिखाएंगे तब तक वो उस कंपनी का पोस्टर या मैगजीन एड या बिलबोर्ड नहीं बनेगा। इसी तरह अगर आपने किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है, या जिस तरह अभी बात हो रही थी लेटर हेड के हवाले से, अगर आपने किसी कंपनी का लेटर हेड डिजाइन करना है, तो इन तमाम चीजों के लिए जरूरी है कि आप उस कंपनी का जो लोगो है वो उसके ऊपर प्रिंट करें। बल्कि अभी रिसेंटली तो अब ये पिछले कुछ सालों में एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो आया है वो ब्रांडिंग का आ गया। यानी कि अब आप देखते हैं कि इवेंट्स पे आप जाते हैं, आप किसी एजुकेशन एक्सपो पे गए हैं या आप किसी भी ऐसे इवेंट पे गए हैं जहाँ पे जाके आप देखते हैं कि वहाँ पे जनाबी अली जो कंपनीज वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अपने सुवेनियर्स देती हैं, वो अपने पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स या वो टी शर्ट्स या मग्स या पीक कैप्स देती हैं। तो अब इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर उस कंपनी का लोगो प्रिंट हुआ होता है। इवन अगर आपको कोई किसी कंपनी से एज अ सुवेनियर कोई पेन भी मिलता है तो उस पेन के ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो उस कंपनी या उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो जो है वो लाजमी प्रिंट हुआ होगा, उसके बगैर वो नहीं बन सकता। तो ये एक बड़ी अहम जो है वो चीज़ है लोगो। तो चलें जी ज़रा थोड़ा सा अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉरपोरेट आइडेंटिटी। अच्छा जी, विजुअल स्टेटमेंट ऑफ अ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन हमें मतलब है, कॉरपोरेशन का मतलब होता है बिजनेस। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि बिजनेस कर रही हो उसको हम कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉरपोरेट आइडेंटिटी का मतलब है विजुअल स्टेटमेंट ऑफ अ कॉरपोरेशन। किसी भी बिजनेस या किसी भी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को विजुअली जो चीज रिप्रेजेंट करती है दुनिया के अंदर वो होती है उसकी कॉरपोरेट आइडेंटिटी। ठीक है जी। अच्छा, कॉरपोरेट आइडेंटिटी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? कॉरपोरेट आइडेंटिटी में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि कॉरपोरेट आइडेंटिटी किट इंक्लूड्स लोगो, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलोप एंड स्लोगन। अच्छा, अब लोगो, बिजनेस कार्ड लोगो के बगैर नहीं हो सकता, लेटर हेड ये भी लोगो के बगैर नहीं हो सकता, एनवेलप इसके ऊपर भी लोगो प्रिंट होता है। इसके अलावा सिर्फ एक और चीज़ है स्लोगन। स्लोगन होता है किसी भी कंपनी का नारा, जैसे कि यूफोन तुम ही तो हो, ये यूफोन का स्लोगन है। ठीक है, या इसी तरह से और बहुत सारी कंपनीज के जस्ट डू इट स्लोगन है। ठीक है जी, फिंगर लिकिंग गुड स्लोगन है, हैप्पी मील्स या ये जितने भी मैकडोनल्ड का जो है, इस तरह के जितने भी जो ऐसे ब्रांड स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी कंपनी को, पूरी कंपनी या ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, इनको हम कहते हैं स्लोगन। अच्छा, ये लोगो और स्लोगन में क्या फ़र्क है? वो ये फ़र्क है कि लोगो जो होता है किसी भी कंपनी को विजुअली रिप्रेजेंट करती है और स्लोगन उसको अल्फाज में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा, लोगो एंड स्लोगन। तो लोगो जो होता है ये किसी भी कंपनी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है जी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनी, अ ब्रांड, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ठीक है जी। किसी भी कंपनी को जो विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है वो उसके लोगो के थ्रू किया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, लोगो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का सबसे पहला एक जोज है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ लोगो के हवाले से, जिस तरह से ये तीन लोगो इस वक्त आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब मजे की बात ये है कि इन तीनों विजुअल्स के साथ नहीं लिखा हुआ एप्पल है या नाइकी है या ट्विटर है, बट वेरी इंटरेस्टिंगली आप जैसे ही ये कटा हुआ एप्पल देखते हैं या जैसे ही आप ये नाइकी का स्वूश देखते हैं या जैसे ही आप ये ट्विटर का ये जो परिंदा है, ये जो बर्ड है, इसका विजुअल देखते हैं, आपके माइंड में फौरन स्ट्राइक करता है एप्पल और नाइकी और ट्विटर। तो यानी कि ये देखेंगे, ये अब विजुअली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लोगो जो है ये बेसिकली पहचान होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी प्रोडक्ट की। याद रखें, दुनिया में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होने लगता है तो उसके लिए जो पहली विजुअल फॉर्म में चीज चाहिए होती है वो उस बिजनेस का लोगो होता है। अच्छा, यही रीजन है कि आप ये फाइबर पे जाके देख लें, आप अपवर्क पे जाके देख लें, आप 99 डिजाइन पे जाके देख लें, आप guru.com पे जाके देख लें, सबसे ज्यादा ग्राफिक डिजाइन के हवाले से जो जॉब्स आपको अवेलेबल होती हैं वहां पे वो होती हैं कि लोगो डिजाइन कर दें। क्लाइंट से कह रहे होते हैं कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है या नई कंपनी स्टार्ट की है, असिस्टेंट कंसर्न स्टार्ट किया है, या कोई ऐसा मैंने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया हमारी कंपनी ने, कोई ऐसी सर्विस लॉन्च की है कि हम उसके लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो आप हमें एक लोगो डिजाइन कर दें। लिहाजा मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि लोगो डिजाइनिंग जिस बंदे को आती है अच्छे तरीके से, उसके लिए जनाब बहुत जबरदस्त चांस अवेलेबल है कि वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो कमा सकता है, पैसे अर्न कर सकता है और वो बिजनेस कर सकता है। अच्छा जी, साथ साथ जरा आपकी चैट्स देखते हैं, चैट बॉक्स देखते हैं जी। प्रैक्टिकल भी आएगा अभी नरेंद्र, अभी आगे थोड़ा सा पहले मैं जरा आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करूंगा और उसके बाद फिर हम जो है वो इसके ऊपर भी आएंगे, प्रैक्टिकल के ऊपर भी आएंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, हम Adobe Illustrator का इस्तेमाल करते हैं लोगोस को डिज़ाइन करने के लिए और मैं अभी एंड में आपको भी थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा लोगो डिज़ाइन के हवाले से कि हम किस तरह के टूल्स या किस तरह के हम जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लोगो डिज़ाइन करने के लिए। अच्छा, ये है कि अभी क्योंकि ये एक पूरा नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स लोगो डिज़ाइनिंग के लिए नहीं यूज़ होता, वो वीडियो ग्राफिक्स के हवाले से इस्तेमाल होता है। सॉरी। अच्छा, क्योंकि ये एक 2 घंटे की वर्कशॉप है तो इसमें मेरा जो बेसिक कोर पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को लोगो डिजाइनिंग की इम्पोर्टेंस से और उसके एक्चुअली उसके होने से कि वो है क्या, उसकी इंट्रोडक्शन मैं दे दूं, डिटेल के अंदर समझा दूं, उसकी टाइप्स के बारे में बता दूं, ताकि आपको एक नो हाउ मिल जाए, एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिल जाए लोगो डिजाइनिंग के हवाले से, सो दैट कि आप उसको फिर मजीद एक्सप्लोर करके ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। और ताकि अगर आप कोई प्रॉपर कोर्स की तरफ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से तो उसमें भी आपको पता हो कि यार लोगो डिज़ाइनिंग जो है ये ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स में एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैं डिज़ाइन करना सीख लूँ तो ये मेरे लिए एक लुक्रेटिव जॉब हो सकती है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के हवाले से। तो लिहाजा मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद जो है वो हम कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी लेंगे। सो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैंने इसको डिवाइड कुछ इस तरह से किया हुआ है अपनी आज के इस लेक्चर को, इस वर्कशॉप को, कि हम पहले ज़रा थोड़ा सा इसके हवाले से जानेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकल इसके जो डायनामिक्स हैं लोगो डिज़ाइन के उनको भी देखेंगे और इलस्ट्रेटर ओपन करके मैं आपको कुछ लोगो डिज़ाइनिंग के जो है वो थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा, थोड़ा समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि लोगो डिज़ाइनिंग होती कैसे है,
सो डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ लोगो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लोगो आपको समझ आ गया, आपको पता चल गया कि यार किसी भी कंपनी की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो लोगो है. अच्छा, आप लोगो की मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है, तो इन मुख्तलिफ इकसाम को जरा देख लेते हैं. ये जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जब हमें क्लाइंट मार्केट ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर हमें किसी काम के लिए कहता है, या हम अगर फॉर एग्जांपल फाइवर पे हम अपनी गिग अपलोड करते हैं और हमारी गिग को अगर कहीं पे कोई रिस्पांस मिलता है, तो अक्सर ये होता है कि हम उस रिस्पांस को लूज़ कर जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते अपनी गिग्स को बिजनेस के अंदर. इसकी वजह ये भी होती है क्योंकि हमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता उस टास्क के हवाले से जो हम परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं अपने क्लाइंट के लिए. अब मिसाल के तौर पे अगर आपको आपका क्लाइंट कोई भी जो है वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में या किसी भी कोने में बैठा हुआ है, वो आपको कहता है कि यार मेरा एक कंपनी है और मैं फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ या कोई पार्लर ओपन कर रही हूँ, बुटीक है मेरी, या कोई जनाब कोई हम लोग कोई एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, वो वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसका ताल्लुक किसी भी सर्विस के साथ है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ है, तो अब वो आपसे कहता है यार लोगो डिज़ाइन जो है वो मुझे करके दो. अच्छा, आपको ये पता ही नहीं होता कि लोगो डिज़ाइन में कौन कौन से टाइप्स हैं लोगो की. आप ये नहीं जान पाते कि यार जो मेरा क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मुझे किस टाइप का लोगो उसको डिज़ाइन करके देना चाहिए. मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? अगर आपको उसकी टाइप्स का पता होगा तो फिर आप उसको एक एक्यूरेट टाइप के अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट की डिमांड को आप फुलफिल करते हुए अच्छे तरीके से एक आप अच्छी लोगो डिज़ाइन की जो असाइनमेंट है वो उसको आप बना के देंगे, और उसके ऊपर फिर वो डेफिनेटली आपको रिव्यूज भी अच्छे देगा और आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे. अदरवाइज फिर देखें वही वाली बात है कि हम लोग अक्सर करते ही हैं कि हम हमें पता नहीं होता कि लोगो डिज़ाइन क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, हम चले जाते हैं और हम सबसे कॉमनली. अच्छा, लोगो डिज़ाइन का टॉपिक लेने का एक मकसद ये भी था क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि सबसे ज़्यादा जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डायनामिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे रब्ता करते हैं, मुझे बताते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं कि सर ये मेरी प्रोफाइल है जी अपवर्क पे या फाइबर पे, तो हम मेरी गिग्स अप्रूव नहीं हो रही या मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा. तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि उन्होंने जो सबसे पहली गिग लगाई होती है वो उन्होंने लोगो डिज़ाइन की लगाई होती है, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं पे भी उसके टाइप्स के हवाले से या उसकी उसके डायनामिक्स के हवाले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती अपनी गिग में कि देखने वाले को जिसने आपको बिजनेस देना उसको पता चले कि यार ये वाकई में प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, इसको ये भी पता है कि लोगों की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और ये मेरे कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बिल्कुल एक्यूरेट किस्म का लोगो डिज़ाइन करके देगा या देगी. तो हमारी गिग्स में कई ऐसी चीज़ें लैक कर रही होती हैं. अच्छा, फिर अगर फॉर एग्जांपल हमारी गिग पे हमें कहीं पर रिस्पांस मिल भी रहा होता है तो हम उसको इसलिए कन्वर्ट नहीं कर पाते कि हम जो ऑप्शन बना के देते हैं क्लाइंट को वो ऑप्शन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होती. तो लिहाजा ये अब आपके लिए जानना जरूरी है कि टाइप्स के हैं लोगो डिजाइनिंग के, तो इनको जरा देख लेते हैं टाइप्स को. अच्छा जी, टाइप नंबर वन है एम्बलम. अब ये एम्बलम जो है ये एक बड़ी पुरानी टाइप है लोगो डिजाइन की, और इसको जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं लोगोस को डिजाइन करने के लिए आज भी. लेकिन ये इसको अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. इसकी दो सब कैटेगरीज हैं, एक क्रेस्ट है और एक इंसिग्निया. इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक टाइप आती है लोगो की वो है लेटर मार्क, जिसको हम उर्फ आम में मोनोग्राम के नाम से भी जानते हैं. अच्छा, अब लोगो और मोनोग्राम एक ही चीज़ के दो नाम है, सिर्फ उनमें थोड़ा सा फ़र्क है. वो फ़र्क हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाता है कि मोनोग्राम और लोगो में क्या डिफरेंस है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आम तौर पर मोनोग्राम और लोगो जो हैं ये टर्मिनोलॉजीज एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं. इसके बाद वर्ड मार्क यानी कि लोगो टाइप. अब ये लोगो टाइप जो है ये भी बड़ी मज़े की और बड़ी इंपॉर्टेंट एक टाइप है इसकी. फिर इसके बाद आ जाता है जी पिक्टोरियल टाइप, जिसको हम ब्रांड मार्क भी कहते हैं. और इसके बाद फाइनली हमारे पास आ जाता है जी कॉम्बिनेशन मार्क, ठीक है जी.
तो अब ये जो तमाम के तमाम हमारे टाइप्स हैं लोगों के हवाले से, इनको हमने जो है वो जरा अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, तो ये चलें आप लोगों के सवाल जवाब तो साथ साथ जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन जो है वो मैं अपनी पहले ये इंफॉर्मेशन जो है इसको मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो एक करेंगे। अच्छा, तो पहली जो टाइप है जी ये है एम्बलम। एम्बलम की कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं इस वक्त, जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा स्टारबक्स कॉफ़ी का लोगो है, फिर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स, मेरी फेवरेट मोटरसाइकिल है वैसे बाय द वे, एंड आई माय ड्रीम इज टू बाय हार्ले डेविडसन सम टाइम। अच्छा, हार्ले डेविडसन और सुपरमैन, ये सुपरमैन का लोगो तो जनाब हमने बचपन से देखा हुआ है, हमें बड़े अच्छे तरीके से बचपन से पता होता है कि यार सुपरमैन कौन है, और सुपरमैन का लोगो हमें हमने जो है वो मूवीज में भी देखा है, हमने हर तरफ देखा है। जी बिल्कुल, इस वर्कशॉप का अभी थोड़ी देर में हम लोग एक फॉर्म आप लोगों के लिए शेयर करेंगे, उसको जो जो लोग फिल करके जो है वो पीएमवाई की टीम को रिस्पॉन्ड करेंगे और उनको ईमेल कर देंगे या उनको सेंड कर देंगे, सबमिट कर देंगे उस फॉर्म को, तो वो आपने सिर्फ सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, तो वो फॉर्म पीएमवाई के पास चला जाएगा और आपको जो है वो सर्टिफिकेट इस वर्कशॉप का बिल्कुल मिल जाएगा, तो वर्कशॉप का सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल मिलेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, तो एम्बलम जो है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है लोगो डिज़ाइन की, यानी कि आप कह लें कि बाबा अजदाद हैं लोगो के, यानी कि फोर फादर्स ऑफ लोगो, ठीक है। आजकल का जो मॉडर्न लोगो हम देखते हैं इसकी जो सबसे पुरानी टाइप है वो लोगो की एम्बलम है। अच्छा, ये आमतौर पर ट्रेडिशनल जो पुरानी कंपनीज होती हैं, ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं जिनको बड़ा टाइम हो चुका होता है मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हुए, उन कंपनीज के लोगोज एम्बलम के तौर पे हो सकते हैं, जैसे कि आप ही कुछ एग्जांपल्स अपने सामने देख भी रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी सेलेंट फीचर है, एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है एम्बलम टाइप के लोगोज का जो आप इनमें अक्सर देखते हैं, वो क्या है जी कि इनमें टेक्स्ट जो है ना वो शेप के अंदर कैद हुआ होता है, यानी कि जो अल्फाज होते हैं, जो नाम लिखा होगा या कहीं पर स्लोगन लिखा होगा कंपनी का, वो एक फॉर्म के अंदर, एक शेप के अंदर बंद होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें मेरा कर्सर, अगर आपको अगर आप उसको फॉलो कर पाए, तो स्टारबक्स कॉफी जो है ये एक बिल्कुल एक राउंड सर्कुलर शेप के अंदर लिखा हुआ है, और उसके अंदर वो उसका जो है वो ग्रीक गॉडेस का जो भी वो उसका विजुअल है वो बना, इलस्ट्रेशन बनी है। इसी तरह हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स, ये भी बिल्कुल एक उसके शेप के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह से सुपरमैन, ये भी आप देख लें, एक डायमंड कलर, डायमंड फॉर्म की शेप बनी है और उसके अंदर सुपरमैन लिखा हुआ है। तो ये एक आप समझ लें कि निशानी है एम्बलम की, कि इसके अंदर शेप्स के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है। अच्छा, अब एम्बलम की फर्दर दो टाइप्स हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, जल्दी से बताऊँगा। एक इंसिग्निया होता है और एक क्रेस्ट होता है, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट इंसिग्निया होता है ये किसी भी ऑफिस के लिए, ऑनर के लिए, आमतौर पर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंसिग्निया यूज होता है, जैसे कि हम नासा का लोगो देख रहे हैं, ये इंसिग्निया टाइप लोगो है, ठीक है। और राइट साइड पे आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का लोगो देख रहे हैं, ये क्रेस्ट फॉर्म का लोगो है, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ये आमतौर पे बहुत पुरानी फैमिलीज, टीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस उनको शो करता है, जैसे कि हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड है। अब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ये एक फुटबॉल का एक बहुत जो है वो पुरानी एक लीग है, एक टीम है, उसको ये शो करता है। इसी तरह से जितने भी आप लोगों में से अगर कोई हॉकी देखता है, या कोई अगर आप लोगों में से कोई अमेरिकन रग्बी देखता है, या जो भी देखते हैं विंबलडन कोई अगर आप में से देखता है, तो उसके जो ट्रेडिशनल लोगोज होते हैं वो इस तरह के होते हैं और इनको हम क्रेस्ट लोगो कहते हैं। चलें जी, इससे जरा थोड़ा सा एक स्टेप आगे मूव करते हैं और अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की लोगो के हवाले से, जिसको हम कहते हैं वर्ड मार्क, और इसको लोगो टाइप भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये जो वर्ड मार्क या लोगो टाइप है ये कब बनाया जाता है? ये तब बनाया जाता है जब कंपनी का जो नाम है या ब्रांड का जो नाम है वो शॉर्ट हो, छोटा हो, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं गूगल। अब ये गूगल का लोगो आप लोग अरसद राज से देख रहे हैं, ठीक है, देखते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा कि यार इसमें इन्होंने जी को और एल को या जी और ई को क्यों नहीं डिजाइन कर दिया, इन्होंने पूरा नाम लिखा हुआ है जी डब्ल्यू जी एल ई। उसकी वजह यह कि गूगल एक बहुत शॉर्ट नेम है, कॉम्पैक्ट नेम है,
बड़ा इम्पैक्टफुल नेम है, और जो छोटे नामों की कंपनीज होती हैं उनको एक आसानी ये होती है कि वो अपने पूरे नाम को इस्तेमाल कर सकती हैं लोगो डिजाइन करवाते वक्त या करते वक्त। इसी तरह से आप कोका कोला को देख लें तो ये भी अगेन एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम अगर आप देखें बहुत लंबा नहीं है, चार चार अल्फाबेट्स के दो वर्ड्स हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस कोका कोला, जल्दी से हम बोल देते हैं, गूगल हम जल्दी से ऐसे बोल देते हैं। तो इस तरह की जितनी कंपनीज होती हैं जिनके नाम शॉर्ट होते हैं, ईजीली उनको जो है वो विजुअल फॉर्म में ढाला जा सकता है, उनके लिए हम वर्ड मार्क या लोगो टाइप जो लोगो होता है ये डिज़ाइन करते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि यार आप अगर कभी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं एज अ लोगो डिज़ाइनर, और आपको आपका क्लाइंट कहता है कि यार ये फलाना मेरे कंपनी का नाम है, अगर आपको लग रहा है कि यार वो कंपनी का नाम बड़ा कॉम्पैक्ट है, स्मॉल है, शॉर्ट है, आराम से उसका पूरे नाम का लोगो डिज़ाइन हो जाएगा, तो आपने पूरे नाम का लोगो डिज़ाइन कर देना है, ठीक है, आपने उसके तमाम अल्फाबेट्स उसके अंदर डिज़ाइन कर देने हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर इसके कॉन्ट्ररी एक नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं लेटर मार्क या मोनोग्राम। अच्छा, अब ये लेटर मार्क या मोनोग्राम जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी पिछली टाइप से, वर्ड मार्क से या लोगो टाइप से। आपने बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, ये आपने बस नाम ना भी याद रहे, आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा जो लोगो है वो किस टाइप का होता है और उसकी किस किस्म की कंपनी के लिए हमने किस किस्म का लोगो इस्तेमाल करना होता है। बस ये भी अगर आपके जहन में रह गया, बेशक आपके जहन में ये ना रहे कि मोनोग्राम क्या था या लोगो टाइप या वर्ड मार्क क्या था, नो वरीज एट ऑल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जनाब, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, याददाश्त अच्छी नहीं है, मिट्टी पाओ, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाला, वो ये है कि किस तरह का कंपनी नेम होगा या ब्रांड नेम होगा तो उसके लिए किस तरह से लोगो डिज़ाइन किया जाएगा या किस किस्म का लोगो डिज़ाइन किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने अभी जो है वो नोट डाउन करना। तो ये जो लेटर टाइप है जिसको हम मोनोग्राम भी कहते हैं, ये जनाबी अली आमतौर पर ऐसी कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है जिनके जो नाम होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं। जिस तरह अब ये एच बी ओ होम बॉक्स ऑफिस, एक्चुअली हम सिर्फ एच बी ओ के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग शौकीन हैं एच बी ओ पे मूवीज़ देखने के, एक्चुअल नाम हमें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है अभी तक एच बी ओ का, असल नाम है जी होम बॉक्स ऑफिस। अब वो होम बॉक्स ऑफिस क्योंकि एक लेंथी नाम है, तीन वर्ड्स आ गए बाकायदा तौर पर, तो उनमें से क्या किया, होम में से एच ले लिया, बॉक्स में से बी ले लिया और ऑफिस में से ओ ले लिया। यानी कि अगर आपकी आपके क्लाइंट की कंपनी का नाम या ब्रांड का या प्रोडक्ट का नाम या सर्विस का नाम बहुत लेंथी है तो आप ये भी कर सकते हैं, सॉरी, कि आप उस कंपनी के जो तमाम वर्ड्स हैं उनमें से इनिशियल्स पिक कर लें, पहला अल्फाबेट पिक कर लें या लास्ट अल्फाबेट पिक कर लें और उनको लेके आप एक लोगो डिज़ाइन कर दें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये मोनोग्राम कहलाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ और गूगल के ऊपर ले जाके मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी जो है वो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जिनकी मदद से आपको जो है वो कुछ और इसके हवाले से जो है वो चीज़ें पता चल जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ जनाब मोनोग्राम्स, अक्सर आम तौर पे जो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखते हैं इसके अंदर अक्सर जो है जो लोगोस इस्तेमाल हुए होते हैं वो जो होते हैं वो ये मोनोग्राम होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये देखें कुछ और एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है, एचपी। अब ये एचपी का असल नाम जो है वो ह्यूलेट पैकार्ड है, कंपनी का पूरा नाम, लेकिन सिर्फ एचपी यूज़ हुआ हुआ है। इसी तरह से आप देख लें गुची का डबल जी होता है, कोको शनैल का सिर्फ डबल सी होता है, ठीक है, ये सी है, ये आपको नज़र आता है, एक्चुअल नेम ऑफ द ब्रांड इज कोको शनैल एंड जो लिए गए हैं वो सिर्फ दोनों वर्ड्स में से इनिशियल्स लिए गए हैं सी और सी, और उनको आपस में एक रिंग की सूरत में उल्टा यानी कि लिटरली इन्वर्ट करके उनको डिज़ाइन कर दिया गया, अ वेरी इंटेलिजेंट लोगो डिज़ाइन बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी गाड़ियों की कंपनीज हैं, जैसे कि होंडा का जो मोनोग्राम है ये,
अब ये भी लोगो जो है ये भी मोनोग्राम है, ये होंडा का एच है, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट है कंपनी का एच। इसी तरह से टोयोटा का अगर हम देखें तो टोयोटा में भी अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली ये टी बना हुआ है। अगर आप इस पे कभी गौर करें तो दिस इज टी फ्रॉम टोयोटा। टोयोटा जो पूरा वर्ड है उसमें से सिर्फ उन्होंने टी को उन्होंने दो ओवल शेप्स की मदद से उन्होंने यहाँ पे लाके डिजाइन कर दी है। इसी तरह और बहुत सारी गाड़ियों की कंपनीज हैं और बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स के ब्रांड्स हैं जिनके जो लोगोज होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप मोनोग्राम टाइप के होते हैं। तो ये मोनोग्राम जो टाइप है ये बड़ी एक कॉमन यूज होने वाली एक टाइप है। अच्छा जी आगे चलते हैं, साथ साथ मैं आपका चैट्स आप लोगों की मैसेजेस चैट बॉक्स में देखता जा रहा हूँ सो दैट के आप लोगों को जो है वो। अच्छा जी तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना, किसी ने भी एक दूसरे से कोई टेंशन नहीं है। देखें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जस्ट ट्राई टू ग्रैब द नॉलेज फर्स्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ इन बातों को सुन लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसको मजीद जो है वो मैं आपसे सवाल जवाब का पूरा सेशन आप लोगों को दूंगा और उसके अंदर हम लोग जो है वो सवाल जवाब देखेंगे। ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि लोगो डिजाइन कैसे होता है, डिजाइन करके भी दिखाऊंगा, परेशान नहीं हो। अच्छा जी इसके बाद पिक्टोरियल मार्क है, ये ब्रांड मार्क भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, सिर्फ एक सिंबल यूज होता है, जैसे कि ये देखिए ये नाइकी का स्वूश है। अब कुछ अर्सा पहले तक नाइकी नाइकी लिखता था इस शेप के साथ, अब नाइकी जो ब्रांड है वो लिखता भी नहीं है, वो उन्होंने नाइकी NIKE लिखना भी छोड़ दिया है। सिर्फ ये जो सूश आपको नजर आ रहा है बस इसी को वो यूज करती हैं एज अ लोगो ऑफ देयर ब्रांड। अच्छा अब ये जो पिक्टोरियल मार्क, पिक्टोरियल पिक्टोरियल का वर्ड निकला है पिक्चर से, यानी कि सिर्फ पिक्चर सिर्फ इमेज इस्तेमाल होगा इसमें, इसको ब्रांड मार्क भी कहते हैं। ये जो पिक्टोरियल मार्क है ना ये सिर्फ ऐसे ब्रांड ऐसी कंपनीज के लिए यूज हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड हो, जो कि जिनको मार्केट में इंडस्ट्री में लोग जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि वो जब भी उनको जब यानी कि आप अगर खाली शेप बना देते हैं किसी एक ऐसी कंपनी के लिए लोगों के तौर पे जो नई कंपनी है जो बिल्कुल अभी वजूद में आई है, लोगों को पता ही नहीं है, कोई नया रेस्टोरेंट बना है, आप उसके लिए एक सिंबल सा बना देते हैं अपनी मर्जी से और आप कहते हैं यार ये मैंने पिक्टोरियल मार्क लोगो बना दिया, तो भाई अभी तो लोग उस कंपनी को उस रेस्टोरेंट को जानते ही नहीं है, लोगों ने अभी उसका खाना ट्राई नहीं किया हुआ, लोग अभी वहां पे गए नहीं है, डाइनिंग नहीं किया, टेक अवे नहीं करवाया, लोगों को कैसे पता चलेगा। तो लिहाजा ये वाली जो टाइप है ये मखसूस है सिर्फ ऐसे ब्रांड्स के लिए, ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, ऐसी कंपनीज के लिए जो कि बहुत पुरानी हो, वेल एस्टेब्लिश्ड हो, इंडस्ट्री के अंदर उनका बहुत ज्यादा नाम हो, जैसे कि नाइकी, जैसे कि एप्पल, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि ट्विटर। अब ये पुरानी कंपनीज हो गई हैं, लोग इनको जानते हैं। अब अगर आप खाली जो फेसबुक का एफ है बस वो एक खास एफ लिखा हुआ एक खास फॉन्ट के अंदर कहीं पे भी, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये फेसबुक के बारे में बात हो रही है। तो लिहाजा ये पिक्टोरियल मार्क एक ऐसी टाइप है जिसमें हम सिर्फ विजुअल यूज करते हैं, टेक्स्ट नहीं लिखते, लेकिन याद रखना है ये ऐसे ब्रांड्स के लिए यूज होगा जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो, दुनिया में लोग इनको पहले से जानते हो अच्छे तरीके से। अदरवाइज किसी नई कंपनी या ब्रांड के लिए आप इस तरह का लोगो कभी भी डिजाइन नहीं करेंगे। अगर आप ये गलती ये ब्लंडर करेंगे तो आपका क्लाइंट कभी भी आपको जो है वो पैसे नहीं देगा, आपका काम जो उसको अप्रूव नहीं करेगा। अब देखिए यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं, मुझसे यार लोग बहुत ज्यादा, मैं अक्सर लाइव सेशंस करता रहता हूँ अपने पेजेस पे भी, अपनी जो बहुत सारे अपने ऑनलाइन सोर्सेस पे भी और डिफरेंट जगहों पे भी, मेरे से एक सवाल लोग बहुत पूछते हैं सर हमारी गिग अप्रूव नहीं होती, सर हमारा जो है वो हमें क्लाइंट काम नहीं देता। अब इसमें देखें क्लाइंट के काम ना देने में और गिग के अप्रूव ना होने में कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारी कुछ ऐसी खामियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती और उनको हम अपनी मर्जी से अपने स्टाइल से कर रहे होते हैं बगैर नॉलेज लिए बगैर पढ़े समझे, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट जो है उसका मकसद पूरा नहीं होता
और याद रखें ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी फील्ड है, इसमें अगर आपने जो भी काम करना है रिमेंबर इन योर माइंड के उसको उसको क्लाइंट ने उसको प्रोड्यूस करवाना है, और उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए क्लाइंट ने पैसे लगाने हैं, तो क्लाइंट के पैसे आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्लाइंट का जो क्लाइंट की जो मनी होती है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो लिहाजा ग्राफिक डिजाइनर के लिए बड़ा जरूरी है कि समझ के सोच के काम करे। अब अगर नया कोई ब्रांड आता है जूतों का, आप उसके लिए जनाबे अली नाइकी या एडिडास समझ के एक सिंबल सा बना देते हैं और आप कहते हैं यार ये दुनिया जान जाएगी सारी इस ब्रांड को, नए ब्रांड को, इस लोगो से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर आप इस तरह का ब्लंडर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे करेंगे तो आपकी रिप्यूट भी खराब होगी, आपको रिव्यूज भी बुरे मिलेंगे और क्लाइंट आपको काम भी नहीं देगा, और आइंदा वो क्लाइंट आपको कभी पिच भी नहीं, यानी आपकी पिच को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो लिहाजा हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है हमें, पैची जो जितनी भी इंट्रिकेसीज होती हैं या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं मैं कहूँगा, डेलिकेसीज होती हैं किसी भी फील्ड की, उनको समझा करें। लोगो डिज़ाइन करने लगे हैं तो पहले उसकी टाइप्स को समझें, उसकी डेलिकेसी को समझें, फिर लोगो डिज़ाइन करके जब आप क्लाइंट को देंगे तो हमेशा याद रखिए आपको लोगो अप्रूव होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इसके बाद कॉम्बिनेशन मार्क ये आखिरी टाइप है आई थिंक जो मैं बताने लगूँ, इसके बाद टाइप्स खत्म हो जाएंगी। आई होप कि आप ज़्यादा बोर नहीं हो रहे होंगे और इन्फॉर्मेशन तो बड़ी फ्रूटफुल है, इसको ज़रा समझ लें। इसके बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पर भी आऊँगा तो आप मज़ीद इंशाल्लाह इंटरेस्ट आपके लिए मज़ीद बन जाएगा। अभी बड़ी अच्छी टिप्स भी मैं आपको देने लगा हूँ 5-10 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट में लोगो डिज़ाइन करना कैसे है उसके बारे में भी बताने लगा हूँ। तो ये आखिरी टाइप है, इसको ज़रा देख लेते हैं जी, समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन मार्क। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन मार्क जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली लोगो टाइप है, लोगो की कैटेगरी है, टाइप है। ये आमतौर पर इस्तेमाल होती है जनाबे अली उन ब्रांड्स के लिए जो कि अपना विजुअल और टेक्स्ट दोनों शो करना चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, बर्गर किंग है, इसमें बर्गर का बन बना भी हुआ है और बर्गर किंग लिखा भी हुआ है। इसी तरह से डव है, अब ये डव सोप के लिए उन्होंने डव फाख्ता बना भी दी है और डव लिख भी दिया है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन मार्क, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लोगों की टाइप है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूँ, ये सजेशन देता हूँ कि whenever you are trying to you are working as a beginner on online marketplaces, always go for combination mark logos. Hamesha shuru ke andar combination mark wale logos banaye, kyunki combination mark logo mein symbol bhi maujood hota hai, visual bhi hota hai, text bhi hota hai, to dekhne wale ko us logo ko samajhna aur uske bare mein information hasil karna aasan ho jata hai kadre. Lihaza hamesha koshish karne ke कॉम्बिनेशन मार्क वाला जो लोगो है इसको ही आप जो है वो डिज़ाइन करें। तो ये थी जनाबी वाली डिस्कशन हमारी कैटेगरीज या टाइप्स के हवाले से लोगों की। आई होप कि आपको इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी, आपको समझ आ गई होगी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किसे कहते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं, लोगो किसे कहते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस भी अभी हम डिस्कस करेंगे, कैटेगरीज आपने बड़ी डिटेल में देख ली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपने समझनी थी। अच्छा, ये देखें जी कब मिलेगा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये आप ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, होपफुली वेरी सून यू विल बी गेटिंग योर सर्टिफिकेट। अदरवाइज इसके अलावा ये है कि जो फॉर्म है वो आप लोगों को, ये देखें जी PNY ट्रेनिंग्स की तरफ से ये आप लोगों को एक फॉर्म सबमिट करवाया शेयर किया गया है चैट बॉक्स के अंदर अभी इसी वक्त 7:57 पे। इसको यार प्लीज़ आप लोग तमाम लोग जो के सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो यार लाजमी इस फॉर्म को, मैं इसको प्लीज़ मैं एंडोर्स करता हूँ, इस फॉर्म को लाजमी आप लोग जो है सबमिट करवाइएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपनी पुट करके, सो दैट के PNY जो है वो आपको आपका जो इस वर्कशॉप का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये आप लोगों के चैट बॉक्स के अंदर एक शेयर हो गया जी लिंक, इस लिंक को ओपन करके आपने फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है और आपको इंशाल्लाह ताला आपका इसके थ्रू आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलें जी आगे चलते हैं, अपनी इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
और मुझे सिर्फ अलाउ करें कि मैं पानी पी लूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो लेट मी जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड देन वी विल टॉक टू लेटर। अच्छा जी, अच्छा अब ये तो आपने इंट्रोडक्शन सारा देख लिया, आपने टाइप्स के बारे में समझ लिया कि टाइप्स क्या होती हैं, आप लोगों ने देख लिया, काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैंने अभी आप लोगों से शेयर की हैं लोगो डिज़ाइन की, कोई 10-15 एग्जांपल्स मैं अभी पिछले आधे पौने घंटे के अंदर आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। तो मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज़ जो कॉन्सेप्ट के हवाले से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्चुअली आप लोगों के लिए समझनी बड़ी ज़रूरी है, वो एक तो ये है कि प्रोसेस क्या है लोगो डिज़ाइनिंग का, प्रोसेस ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग। उसके अलावा एक ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि लोगो डिज़ाइन करने के लिए कुछ टिप्स आपको पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकें, वो गलतियाँ जो हमने नहीं करनी लोगो डिज़ाइन करते हुए, और वो अच्छे काम जो हमने करने हैं लोगों को डिज़ाइन करते हुए, लोगो डिज़ाइनिंग के टास्क को परफॉर्म करते हुए, चाहे हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर काम कर रहे हैं चाहे हम लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने लगूँ, तो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊँगा। लेकिन टिप्स देने से पहले, ये बहुत बेशकीमत टिप्स हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में देने लगा हूँ, ये आप समझ लीजिए कि ये लोगो डिज़ाइन का निचोड़ है, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनाब अली लोगो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस क्या है। अच्छा जी, अब प्रोसेस के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख के थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बेसिकली देर आर टू बेसिक वेज टू क्रिएट अ लोगो। नंबर वन, ये जो हमारा असल जो सबसे पहला तरीका है, इसको मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, और ये होता है, ये कहता है कि सबसे पहले क्या करें कि डू सम रिसर्च, या प्रोसेस मैं आपको बताने लगा हूँ लोगो डिजाइनिंग का, और उसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनके हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो गाइड करने लगा हूँ। सो इसको ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप है यार दोस्तों, जो नहीं आप लोग करते, मैं क्या क्या पागल हो गया हूँ, स्टूडेंट्स नहीं मानते, नहीं करते, सबसे पहली बात है रिसर्च करें। जिस कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में देखें कि उस कंपनी के टारगेट ऑडियंस क्या हैं, उसकी अब रिसर्च के अंदर आप लोगों ने क्या क्या रिसर्च करनी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, उसके टारगेट ऑडियंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस है वो उसकी क्या वेयर अबाउट्स हैं, उसका उसके उसके हवाले से उसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, जिसको हम कहते हैं USP। USP का मतलब होता है जी यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, ये बड़े की पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ जनाब, ये अभी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, इनको जहन में रखिएगा, इनको नोट डाउन करते जाइएगा, इनको जहन में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले जब आपने लोगो डिज़ाइन करने लगना है ना, तो सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है। आपने रिसर्च किस चीज़ पे करनी है, अगर आपको क्लाइंट खुद बताता है तो ठीक है, वरना आप उससे पूछ सकते हैं एक हम्बल और बड़े डिसेंट वे में, आप उससे कम्युनिकेट करें, उससे पूछें कि जनाब आपकी जो कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस है इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन सी इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं जिनको आप कैटर कर रहे हैं, आया क्या आपकी प्रोडक्ट इलीट क्लास के लिए है, या आपकी जो प्रोडक्ट है वो आम लोगों के थोड़ा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए है। अच्छा, इसी तरह से आपके टारगेट ऑडियंस जो है वो आया के पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है।
इसी तरह से मुख्तलिफ जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो आप लोगों ने जो है वो नोट करने हैं। काइंडली प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी बाय ट्राइंग टू टेकिंग द स्क्रीन कैप्स अगेन एंड अगेन। इससे जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, हर्ट हो रही है, सो प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस अगेन एंड अगेन। जो कोई भी ये कर रहा है प्लीज वो उसको थोड़ा सा इसको छोड़ दें। बार बार स्क्रीन शॉट करने की कोशिश जब आप करते हैं तो वो हमारी जो डिस्कशन होती है वो बीच में हेल्ड हो जाती है, तो ऐसा ना करें प्लीज। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो बेचना चाह रहे हैं, वो किस तरह की है, उसके अंदर कौन सी खास बात है, कौन सी खास चीज़ है जो लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, तो जनाब मैं ये बात कर रहा था कि कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स भी आपको पता चल जाने चाहिए आपकी उस कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से, और कुछ टारगेट ऑडियंस के बारे में भी आपको पता चल जाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा काम आप लोगों ने करना है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम आप लोगों ने करना है वो क्या है जी, वो ये है कि आपने जब आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में पता चल गया, आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में पता चल गया, तो उसके बाद आपने फिर ये करना है कि आपने विजुअल क्रिएट करना है। क्रिएट विजुअल दैट रिप्रेजेंट्स द कंपनी ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा जी, तो विजुअल आपने रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, आपने क्या क्रिएट करना है, इसका एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे ना दो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो मार्केट में होती हैं, मैं आपको ये दोनों प्रैक्टिसेस के बारे में बता देता हूँ। एक तो प्रैक्टिस ये होती है, आमतौर पर लोग ये करते हैं कि डायरेक्टली वो कंप्यूटर पर आते हैं, इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर जो है ये सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल होता है एक्चुअली लोगों को डिज़ाइन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त इलस्ट्रेटर मैंने स्क्रीन के ऊपर ओपन कर रखा है। अडोबी इलस्ट्रेटर इज द प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर दैट वी एक्चुअली यूज फॉर डिजाइनिंग लोगोस। अच्छा, अब ये जो हम विजुअल क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कोरियर कंपनी है। अब ये यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट करने का बेसिकली बता रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट किस तरह से क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ अ लोगो। ये बेसिकली हम इस टॉपिक के ऊपर इस चीज पे बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ लोगो। अच्छा जी, पहली बात क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कॉन्सेप्ट में, कि आपने एक ऐसा विजुअल ढूंढना होता है जो आपकी कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट को शो करे। मिसाल के तौर पे कोरियर की कंपनी है। अब मेरा आपसे सवाल है और आप लोगों को मैं ये एक एक्टिविटी दे रहा हूँ छोटी सी, आपने मुझे चैट बॉक्स के अंदर अभी बताना है। आप लोगों से मेरा सवाल ये है, चैट बॉक्स में मैं अभी आप लोगों से ये सवाल का जवाब लूंगा, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि अगर मिसाल के तौर पर कोरियर कंपनी है उसका मैंने लोगो डिज़ाइन करना है और वो कोरियर कंपनी का काम है कोरियर पहुँचाना, आपके ख्याल में किस तरह का विजुअल होना चाहिए जो कि कोरियर कंपनी को रिप्रेजेंट करे। अब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कोरियर जो काम है, कोरियर के काम में जो एक सबसे ज़्यादा हम जब हम किसी कंपनी के थ्रू TCS या OCS के थ्रू जब कोरियर करने जाते हैं, कोई भी अपना पार्सल देने जाते हैं, कोरियर करने जाते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहली क्या बात होती है, एक सेकंड में जरा सिर्फ एक मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, मैं एक मिनट के लिए पॉज करूँगी।
अच्छा जी गाइस, मुझे ये मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है, एंड पर्सनली इवन आई एम फीलिंग वेरी डिस्टर्ब ड्यू टू दिस। ये मैंने अब आप लोगों में से जो भी मुझे चैट बॉक्स के अंदर इररेलेवेंट डिस्कशन करता हुआ नजर आएगा उसको मैंने जो है वो बिल्कुल इस ट्रेनिंग में से जो है वो किक आउट कर देना है, ठीक है? तो प्लीज अब मुझे कोई भी यहाँ पे अनवांटेड क्वेश्चंस पूछता हुआ या एक दूसरे से बात करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों को जो भी ऐसे करेगा उसको ना तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल पाएगा और ना ही आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बैठने दिया जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ से क्विट कर दिया जाएगा बिल्कुल। सो प्लीज ट्राई टू बी सीरियस, इफ यू आर नॉट सीरियस इन द ट्रेनिंग यू कैन लीव, ठीक है जी? गाइज मैं पॉज ले रहा हूँ और मैं स्टार्ट करूँगा तभी जब आप लोग जो हैं वो यहाँ पे चैट अपनी जो है वो स्टॉप करेंगे, अदरवाइज मैं अभी इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा। आप लोग अपनी चैट यहाँ पे स्टॉप करें, आई डोंट नीड एनी अनवांटेड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है? वेदर इन द चैट बॉक्स और ऑन द स्क्रीन, और अदरवाइज फिर यही है कि मेरे पास ये हल रह जाएगा कि आई विल हैव टू डिसेबल द चैट, जो कि मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो अगर कोई सवाल को पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, अदरवाइज आप लोग मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर सकेंगे, कोई बात नहीं पूछ सकेंगे, जो कि मैं नहीं चाह रहा। तो प्लीज़ काइंडली इससे ज़रा थोड़ा सा रिफ्रेन करें, और अब फिलहाल मुझे यहाँ पर कोई भी चैट करता हुआ यहाँ पर नजर ना आए, प्लीज़ थोड़ी सी देर के लिए चैट अपनी प्लीज़ आप लोग देख लें, थैंक यू। जी तो जनाब ने हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम अभी जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पॉज लिया था, थोड़ी सी ब्रेक ली थी, वहाँ से मैं ज़रा आप लोगों को दोबारा से जोड़ता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो जी बिल्कुल, अब अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे कोई भी स्क्रीन पर कुछ करता हुआ नज़र आया तो उसको भी मैं रिमूव कर दूँगा। सो प्लीज़ नाउ जस्ट जो लोग ठहरना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेनिंग में, वो प्लीज़ यहाँ पे रहें, और प्लीज़ अब जो है वो लेट मी जस्ट कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रॉपरली, राइट? अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट इमिजिएटली फ्रॉम माई साइड, ठीक है? ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ओके जी, स्टार्ट करते हैं, आगे बात शुरू करते हैं वहीं से। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन अगेन।
अच्छा जी, ये स्क्रीन आप लोगों को मेरी नज़र आ गई होगी, ठीक है, और मैंने कैमरा भी अपना ऑन कर लिया है। अच्छा तो मैं आप लोगों को यार ये बता रहा था, एक सेकंड जी प्लीज, जस्ट वन मोर मिनट गाइस, जस्ट वन मोर मिनट। जी तो जनाब अली, हम रिज्यूम करते हैं अपनी डिस्कशन को वहीं से जहां पे हमने छोड़ा था, ठीक है। एंड हम लोग ये बात कर रहे थे जनाब अली कि लोगों को डिज़ाइन करने के प्रोसेस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। आई होप कि आप लोगों को इसमें मेरी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और मेरी आपको स्क्रीन भी जो है वो शेयर्ड है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में कर सकते हैं। एनीवे अच्छा जी, तो जनाब मैं ये बता रहा था कि हम लोगों ने एक विजुअल क्रिएट करना होता है जो कि रिप्रेजेंट करे उस कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस को। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है कि जिस तरह से अब एक कोरियर कंपनी के हवाले से मैं आप लोगों से एक डिस्कशन कर रहा था, और मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि जो कोरियर कंपनी है उसके लिए हम किस तरह का विजुअल बनाएंगे। अब कोरियर कंपनी जो है वो डेफिनेटली उसकी जो मोटो होता है वो ये होता है कि उसकी यूएसपी होती है कि फास्ट एज, यानी कि एज क्विक एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी वो अपने क्लाइंट्स के कार्गोस को या उनकी जो जो उनके कोरियर होते हैं उनको पहुंचाएंगे, उतने उनके क्लाइंट्स उनसे ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, उनसे ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तो अब इस बात को जहन में रखते हुए मेरे माइंड में जो एक विजुअल आता है कार्गो कंपनी के लिए वो आता है चीते का। जिस तरह से आप लोगों को पता भी है कि एक लैपर्ड कोरियर के नाम से एक कंपनी भी है यहाँ पे पाकिस्तान में, आई डोंट नो कि लाहौर बेस्ड है कराची बेस्ड है, लेकिन एक कंपनी है, उन्होंने इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए लैपर्ड कोरियर का नाम भी रखा है, और वो उसका उसका उन्होंने जनाब अली माइंड में वो सारी चीज़ें उसका विजुअल भी क्रिएट किया। अच्छा इसी तरह से अब मिसाल के तौर पे बेकरी है, अब केक बनाने वाली एक कंपनी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा सिंबल आप यूज़ करेंगे जो केक से रेलिवेंट हो, ठीक है, या आप केक का कोई वेक्टर फॉर्मेट फॉर्म यूज कर सकते हैं, या कोई और ऐसी चीज आप यूज कर सकते हैं जो के आप जो के आपको हेल्प आउट करें आपकी कंपनी या ब्रांड को आगे प्रॉपरली जो है वो शो करने के लिए। अच्छा जी, तो मैं एक सेकंड बीच में जनाबे ने जी जनाब अली, अच्छा अब ये मैं ज़रा थोड़ा सा जो हमारा डिस्कशन वाला पार्ट है ना इसको जल्दी कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमने प्रैक्टिकली लोगो डिज़ाइन करके भी देखना है, ज़रा इलस्ट्रेटर के ऊपर भी थोड़ा सा हाथ चेक करना है कि हम किस तरह से उसके ऊपर लेके जाते हैं लोगो को। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने फॉन्ट्स की सिलेक्शन करनी होती है, सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स, और फॉन्ट्स को आपने इस्तेमाल करना होता है शेप्स के साथ। किसी भी लोगों में शेप्स होती हैं, विजुअल होता है, और उसके अलावा फॉन्ट्स होते हैं, यानी कि फॉन्ट की शुरू में टेक्स्ट लिखा होता है उसमें उस कंपनी का डेफिनेटली नाम होता है, उस ब्रांड का प्रोडक्ट का नाम होता है। उसके बाद हमने कलर्स का की सिलेक्शन जो होती है ये भी ज़रा ध्यान से करनी होती है। अब ये आपका प्रोसेस है, सबसे पहले रिसर्च करें, टारगेट ऑडियंस के बारे में जाने, यूएसपी जाने, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक विजुअल क्रिएट करें छोटा सा, उसको सिंपल रखें, और उसके बाद उस विजुअल के साथ फॉन्ट, अच्छा सूटेबल फॉन्ट चूज करते हुए उस कंपनी का नाम लिखें, कलर्स का इस्तेमाल करें, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, योर लोगो विल बी डन। ये छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, इसके बारे में मैं कुछ टिप्स आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी देता चलूँ जल्दी से, और उसके बाद मैं आप लोगों को लोगो, कुछ एक दो लोगोज बड़े फेमस लोगोज हैं वो क्रिएट करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये टिप्स एक दो जरा मेरे से ले लें। अच्छा जी, पहली टिप क्या है जी, एक अच्छा लोगो डिजाइन करने के लिए पहली टिप ये है कि मेक इट सिंपल। जितना सिंपल आपका लोगो होगा उतना ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा।
मिसाल के तौर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एप्पल का पहला लोगो था और ये आज लोग मानने को तैयार भी नहीं होते कि वाकई ये एप्पल का लोगो पहला था, लेकिन ये हकीकत है। इसमें वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन उन्होंने बनाई थी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एप्पल कंप्यूटर को। इसके बाद उन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया इस कटे हुए सेब की सूरत में, और ये कटा हुआ सेब इतना फेमस हुआ कि ये पूरी दुनिया के अंदर एप्पल कंपनी की पहचान बन गया। इसके बाद ये फिर ब्लैक कलर में आया, फिर इस तरह से इसको ग्रेडियंट में किया। आजकल इससे एक स्टेप आगे जा चुकी है बात, ये 1976-2014 का बताया हुआ है। आजकल जो ये बिल्कुल प्लेन फ्लैट एक कटा हुआ एप्पल है, बस दैट्स इट। तो बात करने का मकसद ये है, इस एग्जांपल को समझाने का मकसद ये है कि जितनी सिंप्लिसिटी होगी आपकी शेप में, आपके लोगों में, उतना ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना अपीलिंग होगा, उतना इम्पैक्टफुल होगा, उतनी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा सालों तक लोगों के जहन में रह सकेगा। इसके बाद एक और टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करने के लिए आप ये चीज़ जहन में रखें कि इट मस्ट बी इफेक्टिव टू यूज एट लार्ज एंड स्मॉल स्केल। अब ये लार्ज एंड स्मॉल स्केल वाली जो बात है, ये इस तरह से है कि जनाब अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा था कि जो लोगो होता है ये विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी प्रिंट होता है। अब विजिटिंग कार्ड टोटल 2 इंचेस बाय 3 इंचेस स्टैंडर्ड साइज का होता है। अच्छा, इसी तरह से फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है, आप देखते हैं टी शर्ट्स के ऊपर भी लोगो डिजाइन हुआ, लोगो प्रिंट हुआ होता है, जनाबे अली बिल बोर्ड के ऊपर भी प्रिंट हुआ होता है, स्ट्रीमर्स के ऊपर, रोड साइंस के ऊपर, आप किसी ब्रांड के आउटलेट पे जाते हैं वहाँ पे हेडर लगा होता है बड़ा सा और उसके ऊपर बड़ा सा लोगो प्रिंट हुआ होता है। तो बात करने का मकसद क्या है कि लोगो छोटे साइज में भी यूज होता है, बड़े साइज में भी यूज होता है, लिहाजा उसको डिजाइन करते हुए ये टिप अपने माइंड में रखें, उसको इस तरह से डिजाइन करें कि वो बड़े साइज में हो, छोटे साइज में जाए, उसका इम्पैक्ट खराब नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये टारगेट, ये एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है अमेरिका की, इसका ये लोगो है टारगेट, ये इन्होंने टारगेट के नाम से साइन जो टारगेट का होता है वो बनाया हुआ है। अब इसको गौर करें, ये बड़े साइज जितना मर्जी इसको बड़ा कर दें ये यही रहेगा, जितना मर्जी छोटा कर दें ये यही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आने लगा और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। सो सेकंड टिप वाज, पहली टिप मेरी थी कि सिंप्लिसिटी लाएं, सिंपल लोगो डिज़ाइन करें। सेकंड टिप ये है कि उसको बड़े स्केल पे और स्मॉल स्केल पे अच्छे तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल करें, इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो इफेक्टिवली इस्तेमाल हो सके। उसके बाद तीसरी टिप है, बस दो टिप्स आपकी रह गई हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएंगे। ज़रा इफेक्टिव फॉन्ट्स का इस्तेमाल, यूज इफेक्टिव फॉन्ट्स दैट सूट द कंपनी और ब्रांड। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हिस्ट्री चैनल के लोगों में, हिस्ट्री में जो एच लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये जो एच लिखा हुआ है ये इस तरह के फॉन्ट में लिखा हुआ है कि इसको देखते साथ ही माइंड जो है ना वो हिस्ट्री की तरफ जाता है और ख्याल ये आता है कि यार दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री और ट्रेडिशन। तो हिस्ट्री चैनल के लोगों को डिजाइन करते हुए जो डिजाइनर है उसने एच को बड़े क्लासिक और बड़े हिस्टोरिकल फॉन्ट के अंदर इस्तेमाल किया है, और ये होती है, इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट यूज ऑफ फॉन्ट्स वाइल डिजाइनिंग लोगोस। अच्छा, इसी तरह से टॉयज आर अस, ये भी एक कंपनी है अमेरिका की, टॉयज बनाती है। अब ये बच्चों के लिए टॉयज बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और इसमें भी अगर आप देखें तो फॉन्ट उन्होंने इस तरह का इस्तेमाल किया हुआ है कि ये बड़ा ईजीली पता चलता है कि जनाब अली ये कोई बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। वो बड़ा प्लेफुल सा, गोलू मोलू सा, थोड़ा सा ज़रा वो इंटरेस्टिंग सा इस तरह का फॉन्ट उन्होंने यूज़ किया हुआ जो कि बच्चों की मासूमियत को और बच्चों को शो करे। सो दिस इज समथिंग अगेन एन इंटेलिजेंट यूज ऑफ लोगो ऑफ सॉरी फॉन्ट इन लोगो डिज़ाइन। ले जी, आखिरी टिप है, इसके बाद हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये इख्तिताम को वो पहुँच जाएगी और हम इसके बाद फिर कुछ लोगोज एक दो क्रिएट करके भी देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन भी छोटा सा एक ले लूँगा। अब ये आखिरी टिप क्या है जी, अच्छा लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इफेक्टिव कलर्स का इस्तेमाल करें, यूज इफेक्टिव कलर्स दैट सूट द कंपनी और ब्रांड और प्रोडक्ट और सर्विस। ये अब किस तरह से हो सकता है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैकडॉनल्ड्स येलो कलर का ये एक लोगो है। अब आप लोगों ने शायद कभी सोचा हो या ना सोचा हो कि ये जो मैकडॉनल्ड्स का लोगो है इसमें येलो कलर क्यों यूज किया हुआ है। साइकोलॉजी ये कहती है कि येलो कलर जो है ये हंगर को, यानी कि भूख को बढ़ाता है और उसको इंस्टिगेट करता है, इसलिए इन्होंने
जब मैकडोनल्ड्स का लोगो डिजाइन किया तो उसके अंदर इन्होंने येलो जो है वो इस लोगो के अंदर इस्तेमाल किया। अच्छा, इसी तरह से ये एनबीसी, अब ये एनबीसी अगेन एक अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी है और इनके बहुत सारे डिफरेंट जो है वो चैनल्स हैं, कोई न्यूज़ का है, कोई एंटरटेनमेंट का है, कोई किड से रिलेटेड है, कोई म्यूजिक से रिलेटेड है। अब उस उन सारे चैनल्स को इन्होंने शो किया हुआ है ये डिफरेंट कलर की जो इन्होंने ये शेप्स बनाई हैं इनकी मदद से। और ये लोगो मेरा बड़ा ही फेवरेट लोगो है यार, वन ऑफ माय एवर फेवरेट लोगोस। ये इस पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे एक आपको शेप नजर आ रही है, ये असल में क्या है जी, ये पीकॉक बनाया हुआ है उन्होंने, मोर बनाया हुआ है मोर, और ये मोर के परों के थ्रू उन्होंने अपने डिफरेंट जो चैनल्स हैं उनको दिखाया हुआ है। तो ये जो एक छोटा सा कट यहाँ पे लगा हुआ है, ये उन्होंने मोर का पीकॉक का फेस बनाया हुआ है बेसिकली, और ये ओवरऑल उन्होंने, अब ये इंटेलिजेंट यूज ऑफ शेप्स, शेप एंड कलर है, और अगेन फिर साथ उन्होंने बड़े अच्छे से फॉन्ट में एनबीसी लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ बेसिकली हम लोग, दिस इज हाउ वी टेंड टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग लोगो और अ गुड लोगो, ठीक है। तो यहाँ तक जो चीज़ें हमने की हैं, के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से जरा मेरे से पूछ लें, इसके बाद मैं फिर आप लोगों से कुछ थोड़ा सा आप लोगों को इलस्ट्रेटर के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये पीकॉक की था। अच्छा जी, चलें, गुड गुड टू गो। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया है, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कुछ लोगोज। ये दो आपके सामने बहुत फेमस कंपनीज के लोगोज पड़े हुए हैं, ये एक है जी एडिडास का लोगो और एक है पेप्सी का लोगो। ये दोनों लोगोज मैं आपको भी यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेरे पास कंस्ट्रेंट ये है इस वक्त कि अडोबी इलस्ट्रेटर जो है, ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को आता है, कितने लोगों ने सीख लिया हुआ है, कितने लोग अभी सीख रहे हैं या अभी सीखना चाह रहे हैं। अगर सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक आप समझ लें इंस्पिरेशन होगी, अगर जो लोग सीख चुके हैं उनको लिए भी एक ये एक लाइट होगी, एक ये तरीकाकार उनको पता चलेगा कि अच्छा यार लोगों इस तरह से भी डिज़ाइन होते हैं। तो ये बेसिकली इलस्ट्रेटर है। अब यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर तो पूरा इस वक्त आपको 5, 10, 15, 20 मिनट में 25 मिनट में नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ टूल्स इस्तेमाल करके इलस्ट्रेटर के आपको ये जो दो लोगोज हैं ये आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर पैनल ओपन हुआ हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ पैनल मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको सामने रखते हुए अब जो है वो हम कुछ बनाते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाथ फाइंडर, इलस्ट्रेटर में ये लोगो डिजाइन लोगोस को डिजाइन करते हुए पाथफाइंडर बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे रोक के एक और मैं आपको मजे की बात बताता चलूं, मैं बताते खुद जो प्रैक्टिस करता हूँ आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर किसी को पेंसिल से स्केच करते हुए या ड्रॉ करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा, तो आप लोग ये किया करें प्लीज कि आप लोग पहले लोगो का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड में जो आपके आता है वो आप उसको क्रिएट करें, उसको उतारें खाली पेपर के ऊपर या स्केच पेपर पे या खाली पेपर पे पेंसिल की मदद से, उसके बाद आप उसको क्रिएट करें इलस्ट्रेटर में सॉफ्टवेयर में आके, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी उसको यहाँ पे लाके क्रिएट करने के हवाले से। एक मिनट से मुझे बीच में दे दें प्लीज़। अच्छा जी, मैंने एनोटेशन ऑन कर ली है, सो प्लीज अब यार आप प्लीज डोंट ट्राई टू एनोटेट योरसेल्फ, अदरवाइज एवरी एनी एनोटेशन ऑफ योरसेल्फ विल बी डिलीटेड सिंपली बाय माय साइड, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैं आपको एडिडास का लोगो पहले जरा डिजाइन करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक टूल पड़ा होता है शेप टूल, शेप टूल की मदद से यहाँ पे मैं कुछ रेक्टेंगल्स लेता हूँ। अब ये डेफिनेटली जिन लोगों ने पहले इलस्ट्रेटर को यूज़ नहीं किया हुआ उनके लिए तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा कि मैं कौन से टूल्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए यही है कि एक इंस्पिरेशन है
कि वो ये देख सकें, वो ये आज समझ सकेंगे कि किस इजी प्रोसेस के थ्रू हम लोगोस को डिज़ाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। अच्छा जी, ये मैं बेसिकली एडिडास का जो लोगो है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये इसको मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा आपके सामने अभी। ये मैंने 3 स्ट्राइप्स ले ली हैं, स्ट्रिप्स ले ली हैं, और इनको अब मैं जो है वो इनको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप, और इनको मैं टिल्ट कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, थोड़ा मजीद टिल्ट कर देता हूँ। अब ये पाथ फाइंडर हमारे पास एक टूल होता है जिसमें ना मज़े मज़े की ऑप्शन होती हैं, जिसकी मदद से ना हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये देखें, माइनस फ्रंट है, इंटरसेक्ट है, एक्सक्लूड है, बल्कि ये मैं आपको थोड़ा सा जो है वो पाथ फाइंडर के हवाले से यहाँ पे पहले बता देता हूँ ताकि आपके लिए जानना ज़्यादा, ये प्रोसेस को समझना ज़्यादा ईजी हो जाए। तो यहाँ पर ये मैं 2 शेप्स ले रहा हूँ, इनको मैं कलर जो है वो डिफरेंट दे देता हूँ। अब ये एक मैंने रेड कलर का स्क्वायर ले लिया और एक ब्लैक कलर का स्क्वायर ले लिया। अब इन दोनों को मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता हूँ जी यूनाइट। तो जैसे ही मैं यूनाइट करता हूँ तो ये देखें, ये दोनों एक ही शेप बन गई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके करूँ जी माइनस फ्रंट, तो ये देखें जो हिस्सा फ्रंट पे था वो जो है वो माइनस हो गया और जो बैक पे था वो रह गया। तो ये है जी हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे माइनस फ्रंट की। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास है जी इंटरसेक्ट की ऑप्शन। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि ये जो इंटरसेक्शन होती है, जो इंटरसेक्टिंग एरिया होता है, बस ये बच जाता है, बाकी सारे का सारा रिमूव हो जाता है। तो ये इंटरसेक्शन भी जो है वो मैं यहाँ पे आके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से फिर हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लूड की ऑप्शन होती है। एक्सक्लूड जो है ये इंटरसेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक्सक्लूड क्या करता है कि यहाँ पे जो एरिया ओवरलैपिंग होता है 2 शेप्स का, उसको निकाल देता है और बाकी पूरी शेप्स पड़ी रहने देता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नीचे ये एक ऑप्शन है जनाबिली ट्रिम की। अब ये ट्रिम क्या करता है कि ये ट्रिम की मदद से हम शेप्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये एक पाथ फाइंडर हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है टूल, और इसकी मदद से हम जो है वो लोगोस को बड़े आराम से डिज़ाइन कर लेते होते हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ, ये जो मैं यहाँ पे आपके लिए एडिडास का लोगो डिज़ाइन करने लगा था। अच्छा, ये मैंने एक शेप बना ली, 3 शेप्स बना के, बार्स मैंने बना के इनको मैंने ग्रुप किया और फिर उसके बाद मैंने इनको टिल्ट कर लिया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ यार, जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, साइज ऑफ लोगो। देखें जी, लोगो डिज़ाइन करते हुए कोई साइज स्पेसिफिकली नहीं होता। एक्चुअली मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लोगो जो है ना, ये हर किस्म के साइज में जाके प्रिंट होना होता है। तो इसको आपने करना सिर्फ ये, जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो ये करनी है कि आपने कभी भी लोगो को ना फोटोशॉप में डिज़ाइन नहीं करना, आपने हमेशा लोगो को इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करना है, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में। ये इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करने का एक फ़ायदा आपको क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप लोगो डिज़ाइन करेंगे तो उसके बाद आप इसको किसी भी साइज पे लेके जा सकते हैं, इसकी जो व्यूइंग क्वालिटी या प्रिंटिंग क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आपने इसको इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किया होगा। अगर फोटोशॉप में डिज़ाइन किया होगा तो डिपेंड करता है कि आपने रेजोल्यूशन क्या रखी हुई है। अगर आपने रेजोल्यूशन कम रखी हुई है तो वो लोगो जब आप प्रिंट करवाने लगेंगे बड़े स्केल के ऊपर, यानी बिलबोर्ड पे अगर वो लोगो डिज़ाइन प्रिंट होने लगेगा तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, वो लोगो जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पिक्सेलेट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये पहले मैंने यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे सिर्फ पाथ फाइंडर में यूज कर रहा हूँ, शेप टूल का इस्तेमाल मैंने साथ साथ किया है, शेप टूल में यूज कर रहा हूँ। अब ये मैं अगेन शेप टूल के थ्रू एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास नीचे एक शेप है और ये ऊपर एक शेप है। इस शेप को मैंने ऊपर रखा हुआ है, इसको मैंने नीचे रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ। और अब मैं थोड़ा सा पहले तो मैं इसको इन दोनों को एडजस्ट कर लूँ। चलो, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन है ट्रिम की, तो मैं इसको करता हूँ जी ट्रिम। ट्रिम करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ना हम किसी भी चीज़ को अलग अलग पकड़ सकते हैं, हर शेप को अलग अलग देख सकते हैं। तो ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से
जो बकाया पोर्शन रह गया था पीछे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारे पास बड़े आराम से देखिए ये वाली शेप बन गई है एडिडास वाली। अब हमारे पास सिर्फ इतना काम रह गया है कि हमने यहाँ पे आके टाइप करना है जी एडिडास। अब एडिडास को मैं देखता हूँ इसका फॉन्ट, मेरे पास मेरा ख्याल है कि पड़ा हुआ है, अच्छा जी ये नहीं जी एडिडास का फॉन्ट निकल आया। एक सेकेंड जी, बस इसको जरा टाइप करने हैं। एज फार एज इफ आई एम नॉट, अगर मुझे याद है, इसको मैं यहाँ से आके निकाल लेता हूँ एन में, मेरे पास मेरे ख्याल में पड़ा हुआ होगा। नेट गर्ड के नाम से आई थिंक इसका फॉन्ट है। चले खैर ये कोई मसला नहीं है, ये आप फॉन्ट्स की वेबसाइट्स हैं उनसे आप जाके ले सकते हैं बड़े आराम से। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी फॉन्ट जो है वो यूज़ कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, अभी मैं फिलहाल ये वाला कोई भी ले लेता हूँ उसकी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे हम आके गूगल पे देख लेते हैं जी एडिडास फॉन्ट। अच्छा जितने भी फेमस फॉन्ट्स होते हैं ना, फॉन्ट उन फॉन्ट्स के नेम्स आपको यहाँ से गूगल से मिल जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये देखिए famfonts.com के नाम से एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का भी नोट कर लें। जितने भी दुनिया के फेमस और बड़े ब्रांड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, कंपनीज हैं, उनके फॉन्ट्स आपको यहाँ से इस वेबसाइट से मिल जाएंगे, famfonts famfonts.com। तो यहाँ पे ये एडिडास नाम का ये देखें जी हमारे पास ये फॉन्ट पड़ा हुआ है, इसको हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं। टेक्स गायर के नाम से आई थिंक ये है। ये नहीं जी आ गया फॉन्ट हमारे पास जनाब, मिल गया जी हमें एडिडास का फॉन्ट, टेक्स गायर के नाम से ये फॉन्ट है। तो ये आप अगर आप चाहें तो ये आप यहां से आके ये जो आपकी वेबसाइट है famfonts.com, इससे आप आके इस तरह के जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं उनके आप फॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे फॉन्ट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ abstractfonts.com एक वेबसाइट है, इसको नोट कर लें। इस पे बहुत ज़बरदस्त फॉन्ट्स आपको लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और जो बड़ी अच्छी वेबसाइट है वो है जी 1001 फॉन्ट्स के नाम से एक वेबसाइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की बेशुमार दूसरी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको डिफरेंट किस्म के बड़े खूबसूरत फॉन्ट जो हैं वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं। ये यहाँ से डाउनलोड करके आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें कितने क्रिएटिव किस्म के फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपने ये देखना है कि आपका जो ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, उसके लिए इनमें से किस किस्म का फॉन्ट जो है वो सूटेबल होगा जब आप पहली बार किसी कंपनी का जो लोगो है वो डिज़ाइन कर रहे होंगे। ये तो अभी मैं फिलहाल तो रिक्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें तो ऑलरेडी मैंने मुझे पता है कि कौन सा फॉन्ट है या किस किस्म का है। जब आप नया कोई भी कंपनी बनाए कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन करेंगे उसके लिए आपको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी चलिए आप ये बना के देखते हैं जी पेप्सी का लोगो। पेप्सी के लोगो के लिए मैं अगेन शेप टूल में से एक सर्कल ले रहा हूँ और इधर मैं आके ब्लू कलर जो है वो मैं चूज़ करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी अब इसी को मैं ऑल्ट की मदद से डुप्लीकेट करता हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से हम इलस्ट्रेटर में डुप्लीकेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। इसको मैं दे देता हूँ जी रेड कलर। अभी एग्जैक्ट कलर्स पे नहीं मैं जा रहा, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कलर्स ही हैं इस वक्त हमारे। अब मैं यहाँ पे ये देखें हमारे पास दो शेप्स आ गई हैं, एक ये रेड है, एक ये ब्लू है। अब एक यहाँ पे मज़े का काम जो हमने करना है, हमने रूलर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे रूलर लगाना है,
रूलर लगा के हम जनाब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेते हैं शेप रेक्टेंगल, इसको रखते हैं हम ऊपर और हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी माइनस फ्रंट। तो ये देखें, ये आपके पास नीचे वाला और ऊपर वाला, ये दो अलग अलग जो है वो हमारे पास ऑप्शंस निकल रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। चलो ये आ गया आपके पास गोल दायरा बना हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक जाकर राउंडेड रेक्टेंगल टूल में लेता हूँ। ये बहुत इजी चीज़ें हैं, वही सिंपल से टूल्स हैं इलस्ट्रेटर के, सिर्फ आपको ये समझना है कि आपने किस अकलमंदी के साथ इनको इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए मेरी ऑलमोस्ट वो शेप बन गई है, सिर्फ अब मैंने इसको कर्व देना है। इसके लिए मैं इफेक्ट में जाऊंगा, रैप में आऊंगा। यहाँ पे ये एक इफेक्ट होता है जनाब फ्लैग के नाम से, इसको मैं रिव्यू में मैं देख लेता हूँ कि ये क्या ऑप्शन मुझे दे रहा है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये मेरे पास वो बन गया, मेरे पास पूरी पेप्सी के लोगो वाली शेप बन गई है। मैंने अब यहाँ पे अगेन टेक्स्ट ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ पेप्सी का फॉन्ट ऐड करना है। तो फॉन्ट के लिए अगेन आप लोगो वहाँ से जाके भी ले सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे शायद इसका पड़ा भी हुआ, ये पड़ा हुआ जी पेप्सी का फॉन्ट ये हमारे पास पड़ा हुआ यूनिकोड, न्यू यूनिकोड फॉन्ट के नाम से। तो इसको मैं सारे को कर लेता हूँ ग्रुप, और इसको मैं दोनों को कर लेता हूँ अलाइन। सो दिस इज द लोगो ऑफ पेप्सी, यू आर डन विद इट। तो ये आसान से तरीके हैं जिनकी मदद से आप लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेसिकली इलस्ट्रेटर की, तो आपको ये जो इस तरह की जो तरीकेकार हैं वो आपको पता चल जाती हैं। वेव यार मैंने यहाँ से आके इफेक्ट में जाके यहाँ पे वैप में ये एक ऑप्शन होती है जी वेव की और फ्लैग की, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। अच्छा जी, अब मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दो एग्जांपल्स डेमोंस्ट्रेट करके भी बता दिए। अब हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप के, बट बिफोर आई एंड दिस वर्कशॉप मैं चाहूँगा कि यार आप लोगों से मैं सवाल जवाब का सेशन करूँ। तो मैं अब अपनी स्क्रीन जो है उसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, और अब जनाब आप लोग मेरे से चैट के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ, आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। आप लोग चैट बॉक्स के अंदर आके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जो है वो दूंगा जी। प्लीज एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम। नेगेटिव स्पेस को लोगों के अंदर पॉजिटिव स्पेस के साथ मिला के हम यूज करते हैं। नेगेटिव स्पेस एंड पॉजिटिव स्पेस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बेसिकली, ठीक है। तो इस लिहाज से आप देखें कि नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस दोनों का इस्तेमाल होता है लोगो डिजाइनिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग। अगर आपको अच्छी लगी है और मेरी ख्वाहिश थी और कोशिश थी, और आई डोंट नो मैं उस पर कितना पूरा करूँ, लेकिन आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इस वर्कशॉप से आज। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर में मैंने अभी आपको बताया कि इलस्ट्रेटर में रेजोल्यूशन काउंट नहीं करती, क्योंकि आप उसको इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, इलस्ट्रेटर में रेजोल्यूशन काउंट नहीं करती, फोटोशॉप में रेजोल्यूशन काउंट करती है। तो इलस्ट्रेटर में बनाते हुए लोगों को डिज़ाइन करते हुए आपको रेजोल्यूशन की बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, ये मैंने गूगल के हवाले से जो आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हम उन कंपनीज को जिनके नाम शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, उनके लिए हम पूरे नाम को लेके लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम वर्ड मार्क का नाम देते हैं, ठीक है जी। और कोई बात, और कोई सवाल? वेरी गुड क्वेश्चन यार, कि टारगेट ऑडियंस के बारे में कैसे पता चलेगा या कैसे हम जाने। तो इसके लिए ये है जनाबे ने जवाब के टारगेट ऑडियंस के बारे में आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट के से डायरेक्टली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं, आप खुद से जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। यूएसपी का मतलब होता है जी यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब है कि किसी भी कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट का एक ऐसा कोई सेलिंग पॉइंट होता है जिसको इस्तेमाल अगर आप करेंगे, उसको आप जो जो बेसिकली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है लोगों के लिए, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, उस प्रोडक्ट को या सर्विस को लाइक करते हैं या उसको खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो ये यूएसपी वो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है
और इसको आपने लाजमी एक्सपोज करना होता है लोगो डिजाइन करते हुए, यानी लोगो डिजाइन करते हुए यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है कंपनी का, ब्रांड का या प्रोडक्ट का, उसको आपने लाजमी एक्सपोज करना है, तभी आपको फायदा होगा लोगो डिजाइन करने में। नंबर ऑफ कलर्स की देखें जी, कोई वैसे तो मियाद नहीं होती, ये भी अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ कलर्स हों, कोई मियाद नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने कलर्स होंगे इतने ना हो, लेकिन कहा यह जाता है और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितने कम रंग कलर्स के अंदर रहते हुए आप अच्छा डिसेंट प्ले करें उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए। जितने ज़्यादा कलर्स इस्तेमाल करेंगे उतना उसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट अगेन द थिंग इज के कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको आपकी मजबूरी होती है, आपको करना ही करना पड़ता है यू ज़्यादा कलर्स को। जैसे अभी हमने NBC का लोगो देखा था, अब उसमें ज्यादा कलर्स को यूज करना मजबूरी थी, तो वहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 2-3 कलर्स की मदद से लोगो डिजाइन कर दें, उससे ज्यादा ना यूज करें। वैसे तो एक हाउस कलर जो होता है ना किसी भी कंपनी का, वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए और वही डोमिनेट करता है लोगो को। हाउस कलर जो होता है वो ये होता है कि कोई भी ऐसा कलर जो कि किसी कंपनी को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो उसका हाउस कलर होता है, तो वो उसके लोगों में आमतौर पे जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जी। और कोई बात? अच्छा जी, लोगो डिजाइनिंग के लिए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए जनाबी अली बेहतर ये है कि आप शुरू करें guru.com से और बाद में फिर जाएं, आप पहले आप गुरु पे आएँ और freelancer.com पे आएँ, क्योंकि गुरु पर फ्रीलांसर पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना फाइवर और अपवर्क पे है। फाइवर और अपवर्क का बेसिकली थोड़ा सा मसला ये है, बेस्ट तो हैं वो, फाइवर एंड अपवर्क आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ फॉर फ्रीलांसिंग, बट उन पे कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा और उन पे आपकी प्रोफाइल का एक्सेप्ट होना और उसका चलना चल पाना वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यस, आप शुरू में guru.com से स्टार्ट ले सकते हैं, freelancer.com से स्टार्ट ले सकते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, जब आपका पोर्टफोलियो बनता जाए, आपके आपका काम बनता जाए, तो फिर आप उसको ले आए जनाबी अली, फिर आप अपने आप को शिफ्ट करें फाइबर की तरफ या अपवर्क की तरफ। तो मेरी तो यही आपको जो है वो सजेशन है जी। और कोई सवाल? ये आपको कंपनी वालों से पूछना पड़ता है कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, कौन सा हाउस कलर है, या आप खुद अपने माइंड से उसको इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए कलर्स की सेंस होना जरूरी है। पोर्टफोलियो जनाबी अली आप लोग अपलोड करें लाजमी तौर पे behance.net पे, behance.net पे आपकी पोर्टफोलियो जो है वो लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आप वही एक सबसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अडोबी जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उन्हीं की वो वेबसाइट है, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेबसाइट राइट नाउ और प्लेटफॉर्म राइट नाउ फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स टू अपलोड और शो देयर पोर्टफोलियो। फाइवर पे आप ऑर्डर लेने के लिए पहले guru.com पे काम करें, पहले गुरु पे आ जाएं, फिर आप उस पर आ जाएं, फ्रीलांसर पे आ जाएं, फिर वहाँ पे फाइवर पे हैं, मैंने आपको भी पहले भी कहा है, डायरेक्टली फाइवर पे ना जाएं, आपकी गिग्स वहाँ पे अप्रूव होनी मुश्किल होंगी, बट आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हैं। गिग्स को अच्छे तरीके से लिखा करें, उनमें डिटेल अच्छे तरीके से दिया करें और बहुत ज़्यादा चीज़ें ना दिया करें, जो रिक्वायर्ड कॉन्टेंट हो बस वही दिया करें। अच्छा, जुबैर चले आए, होप के वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हुआ होगा और यहाँ पे भी फ़ायदा होगा, जहाँ जहाँ पे इंशाल्लाह ताला आप मुझे देखें, अल्लाह करे आपको वहाँ वहाँ पे फ़ायदा ही हो मेरे होने से, ठीक है जी। अच्छा जी, तो गिग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, गिग ये होती है कि फाइवर वगैरह के ऊपर जो है वो आपको एक अपने प्रपोजल्स बना के देने पड़ते हैं कि जी मैं फॉर एग्जांपल आई विल क्रिएट लोगो डिज़ाइन इन इतने डॉलर्स, और उसके अंदर फिर आप लिखते हैं, बताते हैं कि हम मैं क्या क्या ऑप्शंस दूंगा या दूंगी, कितने रीडूज दूंगा या दूंगी, वो ये सारी बातें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और अपने जो भी आप समझ लें कि आपका एक क्लाइंट के लिए एक प्रपोजल है, कि आप क्लाइंट के लिए एक प्रपोजल बना के आप अपलोड कर रहे हैं कि जनाब ये मेरा पोर्टफोलियो और ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए, दिस इज गिग, ठीक है। तो चलें जी, आई होप के इट वेंट फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू।
वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ऑल ऑफ यू गाइज, वेरी नाइस नोइंग यू एंड मीटिंग यू ऑल ऑफ यू। क्योंकि वक्त कम था और लोग ज़्यादा थे तो मैं पर्सनली आप लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं कर सका, लेकिन चलें आप लोगों को आई होप कि इस वर्कशॉप का फ़ायदा हुआ होगा। तो अब फिर जो है वो इसको हम कंक्लूड करते हैं जी हमारी वर्कशॉप को, इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। सर दो मिनट मुझे दें और इसको फिर हम जो है वो अपनी वर्कशॉप को कंक्लूड कर देते हैं। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैसेज ये है, मेरा नाम यार यासिर जावेद डोगर है, यासिर जावेद डोगर इज माय नेम। एंड मैं एक लास्ट मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप लोगों से कोई भी इस वक्त हम PNY के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं तो PNY की ही बात करेंगे, कि PNY के किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स में आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप लोग इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ पे आप लोग जाके जो है एनरोल कर सकते हैं। आप लोगों ने सब लोगों ने अपना जो अभी सर्टिफिकेट के लिए जो आप लोगों को दिया गया है फॉर्म, उसको लाजमी प्लीज़ आप लोगों ने सबमिट करना है, ठीक है जी। तो वो फॉर्म का लिंक यहाँ पे दे दिया गया था, आई होप वो आप लोगों ने सारों ने उसको सबमिट कर दिया होगा, जिसने नहीं किया वो उसको सबमिट कर सकता है। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं आपको दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। चलें ये अभी आई थिंक लिंक आप लोगों को मिल गया है सबको, किसी को कोई रह तो नहीं गया जिसको लिंक नहीं मिला। यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप उसको फिल करके अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को सर्टिफिकेट उस लिंक के थ्रू, जो जो उस लिंक को फिलअप करेगा सबमिट करवाएगा उसको सर्टिफिकेट जो है वो PNY ट्रेनिंग से मैनेजमेंट दे देगी। ये दोबारा लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया गया, थैंक यू। चलें जी, तो फिर अपना ख्याल रखें जी, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, कोरोना से महफूज रहें, एहतियात करें, सीरियस लें, और अल्लाह आप सब लोगों का हामी व नासिर रहे, आप सब लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। इस मैसेज के साथ जो है वो मैं कंक्लूड करूंगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।